मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम टू यू इन एसेंट ऑनलाइन क्लासेस। अब जब अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है जो अपना 11, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले नंबर दिए हुए हैं 9/16, 1/4 और 7/12। तो इनमें क्या करना है, सबसे पहले अपन ने एलसीएम निकाल दिया, तो एलसीएम आ गया 48। अब 48 एलसीएम आ गया, अभी क्या करेंगे इनके फ्रैक्शन है 9/16, तो उसको क्या करेंगे, पहले 9 को भी और 16 इक्वल्स टू, इधर अपने डिनोमिनेटर 48 बनाना, तो 16 3 जा 48 होता है ना, तो इनके लिए दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो अपने फ्रैक्शन बन गया 27/48। फिर है जैसे 1/4, तो इसके भी डिनोमिनेटर को 48 बनाना है ना, तो 1/4 वन इंटू, अभी क्या हो जाएगा, इधर 1 को करेंगे 48 को 14 टाइम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी 48 आएगा, 14 4 जा 48, नहीं 12 4 जा 48 होता है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे, इनको 12 से नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 4 जा 48 हो गया, इधर हो जाएगा 12/48। फिर है जो अपने 7/12 है, इसके भी डिनोमिनेटर को 48 बनाना है, तो क्या हो जाएगा, पहले इनको वही तरीका 7 इंटू और इधर अपॉन में 12 इंटू, 12 4 जा 48 होता है, और 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 4 जा 28। अब इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखना था ना, तो असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो होगा 12/48, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 27/48, फिर उससे ग्रेटर होगा 28/48, और अगर देखें रियल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर, तो 12/48 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, उससे ग्रेटर 27/48 को 9/16 लिख सकता हूँ, और 28/48 है तो इसको मैं 7/12 लिख सकता हूँ। ये इन नंबर्स का क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे कैसे इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4, वो आपको खुद को सेल्फली करने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो क्या है, देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इन देयर लिस्ट, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इन देयर लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, यानी लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर में इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे इसके अंदर फर्स्ट अपने को दिया हुआ है 5/6, 6 2/8, 3/4। अब इनमें सबसे पहले जैसे कि अपने को ज्ञात है एलसीएम निकालेंगे, तो द एलसीएम ऑफ 6 8, द एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 4 इज, अब 6 8 और 4 का एलसीएम निकालते हैं अपन फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आता है 24। अब क्या हो जाएगा, इसमें 24 आता है, तो ये फ्रैक्शन जैसे 5/6 है, तो इस फ्रैक्शन को अगर डिनोमिनेटर 24 के इक्वल लेता हूँ मैं, तो कितना होगा, 6 4 जा 24 होता है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 20/24। फिर जैसे हैं 2/8, तो इसमें भी डिनोमिनेटर अपने को क्या, किसके इक्वल आना चाहिए, 24 के, तो क्या करूँगा मैं, 8 इंटू हो जाएगा कितना, 3, और उधर 2 इंटू कितना, 12 करने पर आता है 24, तो हो जाएगा कितना, 8 3 जै 24, और ऊपर वाला है जो को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने फ्रैक्शन बन गया 6/24। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट नंबर है 3/4, इसको भी क्या करना है, अपने को डिनोमिनेटर इक्वल आना है 24 के,
तो 4 और 3 ये दोनों कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। 4 6 24 होता है, तो इंटू 6 करेंगे, ऊपर वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई करें। 3 6 कितना हो गया, 18। तो इनके जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वाले, यानी डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, वो अपने को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस आर क्या हो जाएंगे इनके, फर्स्ट वाले का हो गया 20/24, कॉमा 6/24 और कॉमा 18/24। मतलब इनका जो डिनोमिनेटर है वो सबका क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उस प्रकार के फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट करना था। 13 क्वेश्चन डिनोमिनेट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो वो आपका क्या है, होमवर्क है। तो 14 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स ग्रेटर देन लेस देन वाला था, तो वो भी होमवर्क है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला है। तो 13 14 15 क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। यानी होमवर्क में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी 11 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 12 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 4.1, ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।